हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बैटलफील्ड 1। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने टैंक को गाइड किया था उस फॉरेस्ट में से निकलने में, बट हैवी फाइट के बाद हम उस एरिया से तो निकल गए, लेकिन जो बिग बस है, हमारा टैंक है, उसके स्पार्क प्लग्स जो है वो ख़राब हो गए और हमारा टैंक जो है वो मूव नहीं कर रहा क्योंकि उसका इंजन जो है वो ख़राब हो चुका है। और अब हम लोगों ने विलेज में जाना है जो करीबी है, और वहाँ पे जो हमारे टैंक्स जर्मन्स ने कैप्चर किए हुए हैं उनके इंजन्स में से वो स्पार्क प्लग्स हम लोगों ने लेके आने हैं वापस, ताकि अपने टैंक को जो है वो ऑपरेशनल बना सकें हम लोग। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वार स्टोरी, उसका सेगमेंट इनफैक्ट। So much for we're all in this together. All right, find the parts, get the tank running, don't die. All right, तो यहाँ पर okay, चल के चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। टावर स्काउट करने की जगह होगी। What is this? Suppressed weapon होनी चाहिए प्लीज। क्या ये suppressed gun है? मुझे कंफर्म। ओह साइलेंसर, ओके लवली लवली नाइस, यही तो चाहिए था। वेरी नाइस, ठीक है। तो ज़रा वेट अ सेकंड, बाइनोक्यूलर्स और देखें कि मैं जूम आउट कर रहा था, मैं गन चेंज नहीं कर रहा था, ये क्या तरीका है। ओके जो भी है, तो ये नहीं, सेकंड वेपन चाहिए हमें। और लवली, यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था। ओके तो इसको ज़रा दूर जाने देते हैं क्योंकि इस बंदे ने नोटिस कर लिया ये किल। और लवली, और अब इसकी बारी। वेरी नाइस, और यहाँ पे भी बंदा था, अच्छी चीज़ है कि अब ये भी ज़रा कवर से बाहर आएगा नोटिस करने के लिए इनको। और दैट्स इट, नाइस। ये फ़ायदा होता है अच्छी वेपन का पास होने का। तो अब चल के वहाँ पे जो टैंक हमारा था जर्मन ने कैप्चर किया हुआ, उसमें से बस वो स्पार्क प्लग निकालें। स्पार्क प्लग वैसे चाहिए कितने हमें, क्योंकि मैंने मल्टीपल मार्क्स देखे थे। ओके ये क्या है, ट्रिप वायर बॉम्ब, नो ये नहीं चाहिए हमें। ओके यहाँ पर क्या वेपन है, ट्रेंच गन है, नहीं बट मेरे ख्याल से मेरे पास ये वेपन जो है वो बेहतर है। होपफुली यहाँ पे मज़ीद कोई एनिमी नहीं है। ओके तो ये रहा टैंक का इंजन, और यहाँ पे से हम लोगों ने वो प्लग निकालना है। This one. One down, free to go. Oh man. Okay, मैं बोल रहा था मैंने मल्टीपल जो है वो मार्क्स देखे थे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें चार जगहों पे जाके एरिया क्लियर करवाना होगा और स्पार्क प्लग निकालने होंगे, तो ये अच्छा खासा काम है। तो अगेन ज़रा इस टावर का जो है वो यूज़ करते हैं एरिया को सिक्योर करने में, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। ऑलराइट, सो मार्क ही कर लें पहले तो बेहतर रहेगा, ताकि बाद में फिर इनको ट्रैक करने में आसानी होगी। ठीक है, ऑलराइट, और कोई यहाँ पर कोई था? ओके वो, अच्छा वो इंजन है। ओके ठीक है, क्या इतनी दूर तक शॉट हमारी ठीक से लगेगी? बिल्कुल लगेगी। लवली, ये बंदा रेंज से बाहर है। व्हाट द हेल मैन, ये मैं नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, और अलार्म बज चुका है।
वाओ, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत बहुत गलत किया मैंने, मैंने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। ओके ओके ओके, अबे साले, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे बुलेट्स मिस ना हो। ओके, तो ये रहा इंजन, सेकंड स्पार्क प्लग मिल गया हमें, और होपफुली जो एनिमीज हैं वो जरा हमें ट्रैक करना बंद कर दें, ताकि हम लोग बाकी के स्पार्क प्लग जरा इजीली निकाल सकें। ओके, टाइम टू हील, वेट, ओ बॉय, तो 5 बुलेट्स बची हैं वैसे भी इस राइफल में, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ज़रा चाह रहा हूँ इस एरिया को चेक कर लूँ कि हमें कोई अगेन साइलेंस वेपन मिल जाए। नो, ओके, यहाँ पर होपफुली स्नाइपर तो है, लेकिन ये साइलेंस नहीं है, और मैं फायर करके चेक करने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी भाई। वैसे ये जगह करीब है, मैं पहले यहाँ से स्पार्क प्लग लेता जाऊँ। ओके, अंधेरे में ये बिल्कुल भी नहीं दिखा था मुझे। वेरी नाइस, लवली। ओके, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे मूव करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ऑलराइट, सो फार सो गुड। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो एनिमीज थे वो चेक करने के लिए उस साइड पे जा चुके हैं, तो ये एरिया क्लियर है और मैं यहाँ से ये स्पार्क प्लग निकाल सकता हूँ। नाइस, तीसरा भी मिल गया हमें, और यहाँ पर से कोई वेपन अच्छी, नो, नहीं है भाई। ऑलराइट, तो बस एक स्पार्क प्लग और हम लोग इस जगह से निकल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। ओह, अच्छा हुआ मिनी मैप में मैंने, ओके, व्हाट द हेल मैन, ओके, फिलहाल तो हालात कंट्रोल में लग रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये अलार्म है क्योंकि इसके ऊपर वो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं ना। अबे साले, तू क्या कर रहा है? ओह, व्हाट द शिट मैन, ऑलमोस्ट, बट ओह शिट। ओके, तो इस बार ट्राई करते हैं कि बिना अलार्म बजाए हम लोग जरा पहुंच जाएं इस पार्क तक, बट वहां पे कोई है जो जरा सस्पिशियस है, बट फिर भी मैं जो है वो बस लगातार फायर किए जा रहा हूँ। इट्स ऑल राइट, देखी जाएगी। ओ ओके ओके ओके, नाइस, नो, इस यही बंदा था जिसने लास्ट टाइम मारा था हमें, और ये रहा इंजन। वेरी नाइस, एमो खत्म हो चुका है। नो, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से, उधर जाओ। व्हाट द हेल मैन,
यार ये मेली से मरेगा एक ही हिट में। नो ओके स्पार्क प्लग निकाले बस, ठीक है ये हो गया। सो व्हाट नाउ? दैट्स ऑल ऑफ देम नाउ बैक टू बेस। ओके तो लगे हाथ में मैं ये अलार्म डिसेबल करता जाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब अलार्म बजा था तो वो एनिमी ट्रांसपोर्ट आ गई थी। ओके तो अब हम बस इस घोड़े को यूज करते हुए निकल सकते हैं यहाँ से। लवली ये भी अच्छा है, वेरी नाइस। वाओ ये अच्छा है, काफ़ी सारा सर्कल मार के जो है हम लोग दोबारा अपने टैंक तक पहुंच रहे हैं। अबे गुजर जा भाई, मुझे ये मत बोलना कि यहाँ से गुजर नहीं सकते तुम। नाइस ओके बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग अपने टैंक तक और किसी को पता भी नहीं चला। वेल ऑफ कोर्स पता चला था, लेकिन वी आर गुड। लवली वो मैन नाइस। व्हाट ओ ओ पे टाउनसेंट। ओ ओके ये बंदा आ पाया। I lost my way back there. There's no right way in a place like this. We'll find one. You're the driver. Yeah, definitely, boy. Definitely. We are back in action, boys. We are back in action. Ah, nice work, boys. Yeah, we did good, didn't we? Yes. Aye. Right, sir, that's the last of them. Let's get on moving. Oh, start newer. I've done everything right. Everything. My whole son in life. All I've done is live my life by the manual. By the manual! Oh, shit. What's wrong with you? You stupid, bloody machine! Meg! Come on! Come on, Bess! Pull yourself together and work with me here! Fuck's sake, I thought you liked to bloody, well, fight! Oh, इस तरह मारने से मुझे लगता है कोई फायदा होगा, लेकिन... Okay. Okay. Here we go. Nice. Hey, Edward. She likes it when you swear, boy. Yeah. All right, Edward. Rendezvous is past those hills in the distance. Just mind that village down there. All right, lads. Hang on. Here we go. Left flank. Capture tanks moving into the village. Steady, lads. We're well okay. Behind Jerry's lines now. No way of knowing what we're up against. That's a cheerful thought. Come on, lads, we've held together this long. Let's not fall apart now. Old Bess has got us this far. And she'll get us all the way if we do our bit. All right, तो ये एपिसोड एंड होती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगले सेगमेंट में हम लोगों ने इस विलेज को क्रॉस करते हुए जो हमारा मिशन है उसे कैरी आउट करना है और देखेंगे कि कौन सी रुकावटें हमारे सामने आती हैं। तो अगेन बिग बेस्ट जो है वो फाइटिंग शेप में है, तो अगेन हम टैंक को कंट्रोल करेंगे, तो इसका मतलब है कि टफ फाइट होने वाली है अपने लास्ट एपिसोड में, तो मज़ा आएगा। बहरहाल मुझे बताइएगा ये एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी और मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।